अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। इसके लिए चावल मैंने दो ग्लास लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह सॉफ्ट करके मैंने भिगो दिया। वेजिटेबल में मैंने आलू लिए हैं, इसको ब्रीक कटिंग कर लिया है, मैंने इसको लंबाई के साइज में कटिंग की है। इसके अलावा गाजर है हमारे पास, इसको मैंने ब्रीक कटिंग कर लिया है। शिमला मिर्च है, इसको भी हमने लंबाई की शेप में कटिंग कर लिया है। बंद गोभी है, मटर है, दही की एक प्याली है, हरी मिर्च है, और हरी मिर्च मैंने 5 से 6 ली थी, इसको ब्रीक कटिंग कर लिया है। अदरक है, टमाटर है हमारे पास, और प्याज है। मसालों में ज़ीरा है, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्च का पाउडर है, नमक है। देचकी में एक कप ऑयल में डाला है, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज के। प्याज को हम लाइट सा गोल्डन करेंगे। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अदरक शामिल करेंगे। अदरक को मैंने ब्रीक लंबाई की शेप में कटिंग कर लिया था। अब हरी मिर्च में शामिल करेंगे। हरी मिर्च मैंने 5 से 6 ली थी, इसको ब्रीक कटिंग कर लिया था। अब इसमें हम अपने मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इसी तरह मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे। मसाले थोड़े से हमारे इसमें भून जाए, फिर हम इसमें अपनी वेजिटेबल शामिल करेंगे। मटर शामिल कर लेंगे। मटर मैंने 1 पाव लिए थे। 5 मिनट के लिए हम मटर को इसमें अच्छी तरह मटरों की भुनाई करेंगे, क्योंकि मटर टाइम ज़्यादा लेते हैं गलने में, जो बाकी सब्जी है वो जल्दी हो जाएगी, इसलिए 5 मिनट के लिए हम मटरों को पहले अच्छी तरह भून लेंगे। मटर हमारे अच्छी तरह भून गए। अब इसमें हम गाजर शामिल करेंगे। गाजर मैंने 3 ली थी, इसको मैंने ब्रीक कटिंग कर लिया था। अब इसमें हम शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च मैंने 2 ली थी, इसके बी मैंने रिमूव कर लिए थे। अब इसमें हम बंद गोभी शामिल कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आलू है, आलू मैंने 5 लिए थे, इसको मैंने ब्रीक लंबाई की शेप में कटिंग कर लिया था। अब इसका वेजिटेबल को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इनमें 1 प्याली हम दही की शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए हम इनको अच्छी तरह भून लेंगे। वेजिटेबल हमने अच्छी तरह हमारी भूनी गई है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। 2 गिलास मैंने चावल थे हमारे पास, 3 गिलास इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी में अच्छी तरह जोश आ जाए, फिर हम इसमें अपने चावल शामिल करेंगे। पानी अच्छी तरह जोश आ गया, अब इसमें हम अपने चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, चावल हमने 2 गिलास लिए थे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पानी को ऐसे ही ड्राई होने देंगे। पानी हमारा अच्छी तरह ड्राई हो गया। अब इसमें हम पुदीना शामिल कर देंगे, पुदीने से खुशबू काफ़ी अच्छी आएगी। अब इसको हम 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। चावल हमारे दम आ गए हैं, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। वेजिटेबल पुलाव हमारा तैयार है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।